मित्रों जय माता दी, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। मित्रों, वर्ष 2023 में संकट चौथ कब है और क्यों मनाया जाता है, जानिए सही दिन व तारीख क्या है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है और चंद्र उदय कब होगा और चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, संकट चौथ व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी पड़ती है, लेकिन माघ मास में पड़ने वाली चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और संतान की समृद्धि और सर्वस्थ कल्याण की इच्छा पूर्ति के लिए यह व्रत करती हैं, क्योंकि इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने माता पार्वती को बताया था, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं। इस दिन भगवान गणेश के साथ भगवान चंद्रमा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दुर्वा, समी, बेलपत्र और गुड़ से बने तिल के लड्डू चढ़ाना चाहिए और तिल का प्रसाद खाना चाहिए। मित्रों, अब पूजा करने की विधि को भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले सुबह उठकर नित्य कर्म के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा करें और उनके श्लोक का जाप करें और गणेश जी का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन व्रत रखते हुए मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जाप करें। सूर्यास्त की बाद स्नान करके दोबारा साफ कपड़े पहने और पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करें। एक कलश में जल भरकर पूजा के पास रखें और धूप दीप से पूजा करें। भोग के रूप में तिल गुड़ चढ़ाएं या उनसे बने लड्डू चढ़ाएं। इनमें गन्ना, शकरकंद, गुड़ और घी चढ़ाएं। ये सारे प्रसाद एक बांस से बनी डलिया में रखकर पूरी रात वहीं पूजा घर में भगवान के सामने छोड़ दें। इसके बाद आरती करें, कलश के जल से चंद्रमा को अर्घ दें, दीप और धूप दिखाएं, चंद्र भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करें और माघी चतुर्थी कथा का पाठ करें, कथा सुनें और सुनाएं तथा वहां मौजूद सभी को प्रसाद वितरित करें। पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। मित्रों, अब आपको बता दें कि वर्ष 2023 में संकट चौथ व्रत 10 जनवरी दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और इस दिन चंद्रमा उदय होने का समय होगा रात 8:28 पर। चतुर्थी तिथि शुरू होगी दोपहर 12:10 पर 10 जनवरी 2023 को। चतुर्थी तिथि खत्म होगी दोपहर 2:30 पर 11 जनवरी 2023 को।